सभी पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि बच्चा अभी सॉलिड फूड नहीं लेता है कुछ खाता ही पीता नहीं है और बच्चे के अभी दांत भी नहीं आए हैं तो फिर उसकी जीप को साफ करना क्यों जरूरी है ओरल हाइजीन मतलब मुंह की सफाई केवल बड़ों के लिए ही जरूरी नहीं है या बड़े बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं है छोटे बच्चों के लिए भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि जैसे बड़ों के मुंह में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ऐसे ही बच्चों के मुंह में भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं अब बड़ों के मुकाबले बच्चों के मुंह में लार कम बनती है बड़ों के मुंह में लार ज्यादा बनती है तो ऑटोमेटिक ही उनका मुंह साफ होता रहता है लेकिन बच्चों के मुंह में लार कम बनने के कारण उनका अपने आप मुंह साफ नहीं हो पाता है दूध और गंदगी बच्चों की जीप पर जमा होती जाती है और जमा होते होते एक सफेद कोटिंग की तरह ये बन जाती है फिर इससे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और ये बच्चों के लिए फिर हार्मफुल हो सकता है तो इसी रीजन से बच्चों की जीप साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है स्टार्टिंग से ही जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है आपका ब्रेस्ट फीड लेना स्टार्ट करता है तभी से आपको बच्चों की जीप साफ करना शुरू कर देना चाहिए कैसे करना है यही आप जानना चाहते हो तो चलिए फिर जान लेते हैं कुछ आसान से टिप्स पहली चीज तो बहुत ज्यादा सावधानी से आपको करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ पहली चीज आपको बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले लेना है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए पीने के पानी से अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए फिर आपको एक कटोरी में गुनगुना पानी ले लेना है उस कॉटन के कपड़े को उसमें गीला करना है अपनी फिंगर में उसको इस तरीके से रैप कर लेना है फिर बच्चों की आगे -आगे साइड, पीछे लेके नहीं जाना है आपको आगे आगे साइड आपको धीरे धीरे से बच्चों की जीप को क्लीन करना है फिर उसको एक बार और धोके दो दोबारा फिर आपको उसको इजीली बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से पहुँच दीजिए जीप को ठीक है इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो दूसरा टिप्स आप कॉटन की हेल्प से भी कर सकते हो कॉटन को भी आपको हल्के गुनगुने पानी में गीला कर लेना है और धीरे धीरे से बच्चे के जीप के आगे के पार्ट को आपको क्लीन करना है और फिर क्लीन कॉटन से उसको पहुँच देना है इसके बाद जैसे पे भी आपका सिक्स मंथ के बाद सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है तो और भी गंदगी बच्चे की जीप पर फिर जमा होनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद तक भी आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए जितने बार भी बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है उतने बार आप अपने बच्चे की जीप को जरूर क्लीन कीजिए अगर ये गंदगी जमी रह जाती है बच्चे की जीप पर तो फिर इससे बच्चे में डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है फिर दो साल से आप अपने बच्चे को ब्रशिंग की हैबिट डाल सकते हो ठीक है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया अच्छे से टिप्स पे आपको क्लियर हो गए तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को एंड इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए रेशूज बेबी केयर यूट्यूब चैनल बाय बाय थैंक यू सो मच